कारगिल विजय दिवस पर जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित राज्य शहीद स्मारक में कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को किया गया। कार्यक्रम में सैन्य व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उपस्थिति दर्ज करवाते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नौवीं कोर योल से लेफ्टिनेंट जनरल SMPN अनंत नारायण और जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त कांगड़ा ने शहीदों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। देश में हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1999 में हुए युद्ध में भारत की जीत के उपरांत 26 जुलाई को युद्ध की समाप्ति हुई थी। देश के वीर जवानों ने इस युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। 26 मई को शुरू हुई कारगिल युद्ध में हिमाचल के 52 जवानों ने जीवन का बलिदान दिया था। 2 माह से अधिक समय तक चले कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने अपने प्राणों की आहुति देकर दुश्मन को देश की सीमा से खदेड़कर ऑपरेशन विजय पर हासिल की थी। देश भर में कुल 527 योद्धा शहीद हुए थे, जिनमें 52 वीरभूमि हिमाचल के थे। कारगिल विजय दिवस पर देश भर में सेना के सर्वोच्च सम्मान में कुल 4 परमवीर चक्र घोषित किए गए थे, जिनमें 2 हिमाचल के वीरों के नाम रहे थे। इनमें कैप्टन विक्रम बत्रा मरणोपरांत और सूबेदार संजय कुमार जीवित को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। कारगिल युद्ध में मिली जीत की याद में हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 9वीं कोर योल के लेफ्टिनेंट जनरल SMPN अनंत नारायण ने कहा कि भारतीय सेना देश को सुरक्षित करने के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। आज पूरे देश की ओर से शहीदों को सम्मान दिया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। इस दौरान राष्ट्रीय एकता के बारे में सोचना और बात करना बेहद जरूरी है। भारतीय सेना अपनी सीमाओं की सुरक्षा में जुटी है और हम अपने बॉर्डर को हमेशा सुरक्षित रखेंगे। हम देशवासियों को यह कहना चाहते हैं कि भारतीय सेना जो है देश के लिए कभी भी किसी भी हालत में कोई भी देश को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तैयार है और तैयार ही रहेंगे। लगातार जो है आज सम्मान हो रहा है शहीदों का, किस तरह देखते हैं जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो मिल रहा है सरकारों की ओर से? ये पूरा देश जो है, ये हमारे जितने भी शहीद हुए